Natal da Tishene. गाइस, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट प्रियंकर। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं कहां जा रहा हूं। जी हां, मैं जा रहा हूं शियालदह स्टेशन। आज कोलकाता में बहुत गर्म है, जो अनएक्सपेक्टेड है। इस विंटर में भी हम लोगों को बहुत पसीना आ रहा है। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे शियालदह स्टेशन। शियालदह स्टेशन में पहुंचने के बाद मेरे बाबा ने मेरी दादी के लिए पहले ही एक बैटरी कार हायर कर ली थी। इस बैटरी कार का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी हम लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दार्जिलिंग मेल, पौधातिक एक्सप्रेस सब वहीं से ही छोड़ते हैं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म में एक लगेज स्कैनर भी रखा हुआ है, जो लगेज स्कैन करने के बाद ही वहां पर जाने देते हैं। अभी शियालदह स्टेशन बहुत नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा है। শিয়ালদহ স্টেশনে তো এখানে আমাদের ট্রেন এখনো আসেনি, তো বাকি সবাই এখন বসে যে ট্রেন আপ যাতে হয়ে দেখ রে হো ইয়ে হে দার্জিলিং মেল। के बाद ही हमारा ट्रेन पौधातिक एक्सप्रेस आएगा और हम लोग जाएंगे एनजीपी। दार्जिलिंग मेल जाने के बाद अभी हमारा ट्रेन पौधातिक एक्सप्रेस एनक्यू स्पेशल 12 नंबर प्लेटफॉर्म में आ गई है। हम लोग ट्रेन में बैठने के कुछ ही देरी बाद ट्रेन चलना शुरू कर दिया एनजीपी की तरफ। अर्ली मॉर्निंग जब मैं नींद से उठकर विंडो से देख रहा था तो चारों तरफ फॉग ही फॉग। ट्रेन के अंदर अच्छी तरह से सैनिटाइज किया
और नीट एंड क्लीन भी रख रहे थे। यहाँ पर मेरे फैमिली लोग बैठ के बातचीत कर रहा है। सब पैसेंजर अपने सीट में सोए हुए हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग एनजीपी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ठंडा भी है। सो अभी हम लोग एनजीपी स्टेशन में उतर गए हैं और मैंने बाबा ने कुली अंकल को बोला एक व्हीलचेयर मेरे दादी के लिए लेने के लिए। एनजीपी पर बहुत ठंड है और हम लोग सब वेट कर रहे स्टेशन से बाहर जाने के लिए। एनजीपी स्टेशन में बहुत सारा टी स्टॉल है तो आप टी का मजा ले सकते हो। हम लोगों का ट्रेन ठीक टाइम पे ही एनजीपी स्टेशन पर रीच कर गई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभंकर और आप मुझे अभी देख रहे हो एनजीपी स्टेशन पर। एनजीपी स्टेशन पर एलिवेटर और एस्केलेटर दोनों ही ऑप्शन है। जैसे मेरी मम्मी पैदल नहीं आ सकते हैं तो इसलिए उनके लिए रैंप के भी ऑप्शन है जो व्हीलचेयर करके उसी की तरफ से आ रही है। सपोज दैट अगर आपके फैमिली के साथ कोई एज पर्सन है, अगर आप एनजीपी की तरफ ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो जस्ट बाहर में कुली को बोलने से वो लोग आपके लिए व्हीलचेयर का अरेंजमेंट कर देंगे। इसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। पुली अंकल ने दादी को धीरे धीरे स्टेशन के बाहर लेके आ रहे हैं। एनजीपी स्टेशन के बाहर आपको एक रेलवे इंजन का मॉडल आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी एनजीपी स्टेशन पे उतर गई हूँ और अभी जा रही हूँ तिरुपति लॉज की तरफ, जो 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम एनजीपी स्टेशन। इस होटल पे थोड़ी देर वॉश एंड फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे कालिंपोंग के तरफ। रेस्टिंग रूम एनजीपी होटल का प्राइस और डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा।
हाय गाइस, हमारा गाड़ी आ गया है और हम लोग इसी गाड़ी में जाएंगे कालिंपोंग में, जो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी का टोटल डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।